कहा गया है कि फर्जी किसानों के नाम पर बिचौलियों से धान खरीदा जा रहा है और वाजिब किसानों को परेशान किया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए कि लोगों के नाम पर धान की खरीद की गई है, ऐसे ऐसे लोग उसमें जुड़े हुए हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन। और इधर किसानों को बड़ी राहत देने वाली खबर आपको मैं बता रहा हूं, जहां पे धान बेचने में अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए कॉल टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों को सीधे पटना स्थित विभाग में शिकायत करने का मौका है। राज्य के किसानों की शिकायतें जानने सुनने और उनके समाधान के लिए सहकारिता विभाग ने सुगम कॉल सेंटर की स्थापना की है। इसका टोल फ्री नंबर है 1800180010, जो 24 घंटे और सातों दिन कार्य करेगा। इस नंबर पर धान खरीद और फसल सहायता योजना के संबंध में किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या कोई जानकारी भी ले सकते हैं। सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 45 लाख टन के विरुद्ध अभी तक तकरीबन 20 लाख धान खरीद हो चुकी है। पिछले वर्ष की तुलना यह आंकड़ा दोगुनी है। आगामी 15 फरवरी तक राज्य में धान खरीद हो गई। यदि किसी किसान को धान बेचने में कोई दिक्कत आ रही है तो टोल फ्री नंबर पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं टोल फ्री नंबर, आप इस न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा कि उसकी समस्या की तेज़ी से समाधान भी कराई जाएगा। इधर शेखपुरा ज़िले में सहकारी संस्थाओं द्वारा की जा रही धान की खरीद में रोज़ गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है। इन गड़बड़ियों में सहकारी संस्थाओं और सहकारिता विभाग की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब पचना पैक्स के किसानों ने डीएम को सामूहिक ज्ञापन देकर फर्जीवाड़े की शिकायत की है और किसानों ने डीएम को एक ज्ञापन भी पैक्स के में धान खरीद की जांच करने की मांग की है। डीएम को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि फर्जी किसानों के नाम पर बिचौलियों से धान खरीदा जा रहा है और वाजिब किसानों को परेशान किया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए कि लोगों के नाम पर धान की खरीद की गई है, ऐसे ऐसे लोग उसमें जुड़े हुए हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। यही रसीद पर अलग अलग परिवारों से धान खरीद कर दिखाकर और घपला किया जा रहा है। किसानों ने डीएम को दिए सामूहिक आवेदन में गड़बड़ी के कई साक्ष्य भी दिए हैं और साथ ही बताया कि सरकार ने जिला में धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 50,000 मीट्रिक टन कर दिया है, मगर सहकारिता विभाग के पदाधिकारी और सहकारी संस्थाओं के लोग इस सूचना को सार्वजनिक करने के बजाय पिछले 4 दिनों से दबाए बैठे हैं। सूचना को दबाने के पीछे किसानों के अंधेरे में रखकर बिचौलियों से धान खरीदने का इनका मंशा है और इसी मंशा के तहत ये तमाम जो योजनाएं हैं, जो तमाम सूचनाएं हैं, इनको छिपाया जा रहा है। तो पैक्स पर लगातार धान खरीद में गड़बड़ी करने का आरोप बिहार के तमाम जगहों से लगता आया है, लेकिन अभी जिस तरह से टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है तो हो सकता है कि इसका निदान जल्द हो। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हम बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।